Hello everyone, my good morning students. I hope you are fit and fine and having a great time. Yesterday we started active and passive voice. Active और passive voice में मैंने आपको present indefinite tense जिसको हम simple present tense and present continuous tense को active से passive में कैसे change किया जाता है वो formula जो golden rule था हमारा मैं आपको बता चुका हूँ. I gave you an exercise for practice. यानी practice करने के लिए मैंने कल आपको एक exercise दी थी. उसमें कुछ बच्चों ने छोटी मोटी गलतियां की हैं, जैसे मेनली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको वो ये था कि जब भी कोई सेंटेंस कंटीन्यूअस फॉर्म में होता है तो हम वहां पर बीइंग का यूज करते हैं, लेकिन आप में से कई सारे लोगों ने बीइंग का यूज नहीं किया है. तो एक बार फिर से मैं उसको दोबारा से बता देना चाहता हूँ आपको कि जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब हमारी यहां एग्री करती है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाय प्लस ऑब्जेक्ट. This is our structure to change into a active voice sentence into a passive voice sentence. ठीक है? यानी active voice sentence जो हमारा present continuous tense का होगा, उसको जब हम passive में change करेंगे, तो सबसे पहले subject को object बना करके, object को subject बना करके लिखते हैं. वो आपको already बता चुका हूँ. तो जो हमारा active voice का object होगा, उसको हम subject बनाएंगे. उस subject के हिसाब से is am are में से जो भी verb हमारी agree करेगी, वो suitable verb को हम लिखेंगे. उसके बाद हमें being का use करना है. अब आप एक बात ये अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ भी हम continuous tense करेंगे, यानी continuous tense जहाँ भी आपको मिलेगा और उसको अगर आपको active से passive में change करना है, even that is past continuous or whatever is that. So what you have to do, you have to use being after the helping verb. यानी helping verb के बाद जो भी उस particular sentence के हिसाब से वहाँ पे agree करेंगी, उसके बाद आपने being use करना है. और जैसा कि मैं आपको already बता चुका हूँ, passive voice में main verb का हमेशा third form use होता है. उसके बाद generally cases में हम लोग by use करते हैं, ऐसे trap concept trap की तरह, और उसके बाद हम subject को object बना करके लिखते हैं. Is that clear? कल कुछ और mistakes जो मैंने आपको देखी थी आपके आप में से कुछ बच्चों ने जो कमिट की थी वो ये थी कि आप मेक का थर्ड फॉर्म मेक बना रहे थे. मेक का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मेड ही होता है. इज दैट क्लियर? ये सेकंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है. ठीक है, मेक मेड मेड. तो मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो मेड नहीं होता. आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, आई होप अब ये जो कंफ्यूजन था आपका वो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, जैसे कि टेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होती है ये आपको पता होना चाहिए. तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, हैज यूज कर रहे थे. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, हैव यूज कर रहे थे. और मेन वर्ब में क्या चेंज होता था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे. ये तो और भी आसान हो गया. इसकी जो मेन वर्ब जहां पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यूज होगी वही हमें एज इट इज सेम टू सेम कहां यूज करनी है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. इज दैट क्लियर? तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है, जो उसका फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनेगा, आइए देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस सेंटेंस ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने कुछ नहीं करना है. हमको ऑलरेडी पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव यूज होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है.
तो हैज और हैव यानी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारी वर्ब एग्री करेगी उसके हिसाब से हमें हैज और हैव रख देना है। उसके बाद हमने बीन का यूज करना है, किसका यूज करना है, बीन का यूज करना है। ये आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि हमने बीन का यूज करना नहीं भूलना है। और उसके बाद एज यूजुअल मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और उसके बाद बाय हम प्रेप का यूज करते हैं जनरली केसेस में, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो आइए इस हिसाब से कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, उनको पहले हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देखते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लिखा सेंटेंस फर्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। I have finished my work. आप देख सकते हैं have used हुआ है, उसके साथ main verb की third form used हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा sentence है, ये किस tense से है? ये present perfect tense से है। क्योंकि इसका जो identification है, जो पहचान है, वो क्या है? इसको identity इसकी क्या है? कि हमेशा main verb की third form used होती है, और उसके साथ जो helping verb है, वो has या have होती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। तो आई को हमने यहाँ प्लूरल माना है, इसलिए हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद हम बीन यूज करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां फिनिश्ड यूज हुआ है, तो इस जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो भी क्या यूज होगा, फिनिश्ड ही यूज होगा। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट को क्या बना करके लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। मैंने लिखा माय वर्क, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब आप देख सकते हैं माय वर्क ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यानी काम, यानी अपना काम की बात कर रहा हूं, माय वर्क। तो जो वर्ब क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बार बार कि जब भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। अब सिंगुलर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो हैज होती है, हैव होती है, आपको अच्छे से पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात आपको बताई थी कि हैज को हमने सिंगुलर वर्ब माना है और हैव को हमने प्लूरल वर्ब माना है। इसीलिए माय वर्क के साथ जो वर्ब एग्री करेगी हमारी, वो क्या होगी, हैज होगी। सो माय वर्क हैज, माय वर्क हैज। अब उसके बाद क्या करना है, हमने बीन यूज करना है। क्या यूज करना है, बीन यूज करना है, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। अभी मैंने जब कल हमने एक्टिव से पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस हमने जब शुरू किया था, तो मैंने एक बात आपको बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इवन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसके अलावा जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, उनका पैसिव नहीं बनता है, उनका पैसिव नहीं बनता है, समझ गए? इसीलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, बीन यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने इसको चेंज किया, माय वर्क हैज बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है एज अ फिनिश, तो मैंने फिनिश लिखा, माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय। अब आय क्या है हमारा, यहां सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को हमने बनाकर के क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट बनाकर के लिखना है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इज दैट क्लियर? सो आय को जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका आय का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। इसको आय बोलते हैं, नॉट आई, आई तो आंख होती है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आय, छोटी ई वाली जो होती है। माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, यानी मेरा काम मेरे द्वारा खत्म किया जा चुका है। I have finished my work, मैं अपने काम को खत्म कर चुका हूं। तो एक्टिव से चाहे पैसिव बनाए, पैसिव से चाहे एक्टिव बनाए, जो हमारा सेंटेंस का सेंस होता है, यानी जो भाव होता है, जो मीनिंग होता है, वह चेंज नहीं होता किसी भी कंडीशन में। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं या मेरे द्वारा मेरा काम खत्म हो चुका है, एक ही तो बात है, उसमें कुछ अंतर आया नहीं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं,
आई होप उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा इंडिया has defeated Pakistan India has defeated Pakistan यानी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है या हरा चुका है। Is that clear? So अब जब इसको हम passive में change करेंगे तो हम object को क्या बना करके लिखते हैं? Subject। तो लिखते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी सिंगुलर है इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज बीन। पाकिस्तान हैज बीन डिफीटेड। डिफीटेड ऑलवी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इसीलिए इसको एज हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जब पैसिव बनाएंगे कॉज किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पाकिस्तान हैज बीन डिफीटेड किसके द्वारा? भारत के द्वारा, बाय इंडिया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव केस इंडिया के अलावा आपने कुछ बना दिया या पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव केस यानी पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उसका भी आपने कुछ चेंज कर दिया। नहीं, इंडिया और पाकिस्तान ये प्रॉपर नाउन्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। जैसे राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? राम ही रहेगा। श्याम का ऑब्जेक्टिव केस श्याम ही रहेगा। ठीक है, आय का मी होता है, ऐसे हम लोग राम श्याम का मी या ही या फिर ऐसे नहीं कर सकते। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल्स है मेरे पास, तो ये बहुत ज्यादा इजी है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। आपको बिल्कुल भी घबराने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, मैंने लिखा दे हैव गोन टू मार्केट। दे हैव गोन टू मार्केट, वे बाजार जा चुके हैं। आप देख सकते हैं हैव यूज हुआ है, अच्छी बात है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यानी गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। दे हैव गोन टू मार्केट। अब हमको पता चल गया कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिया गया है। इज दैट क्लियर? जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना करके लिखेंगे? सब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोन हमारा मेन वर्ब हो गया, टू हमारा प्रेप हो गया जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और मार्केट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऑब्जेक्ट में हम क्या बना के रखेंगे? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया मार्केट। अब मार्केट के हिसाब से आप देख सकते हैं बाजार है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, मार्केट नहीं है, सिर्फ मार्केट की बात की जा रही है यानी वे बाजार जा चुके हैं। सो मार्केट के हिसाब से जो हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एग्री करेगी वह हैज होगी या हैव होगी? ऑब्वियसली हैज होगी, मार्केट हैज। अब मैंने क्या यूज करना है? चाहे हैज यूज करे चाहे हैव यूज करे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके तुरंत बाद हमने बीन ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? बीन। सो मार्केट हैज बीन। अब हम क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहां यूज हो चुकी है गोन, उसके बाद हम बाय यूज करेंगे। और अब दे का ऑब्जेक्टिव केस दे नहीं होता, कल मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो प्रोनाउंस है जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इनके ऑब्जेक्ट केस ऑलरेडी बनते हैं। तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? देम। इस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं, इवन वो कोई भी सेंटेंस हो हमारा, कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो कोई भी सेंटेंस हो, उसको जिनके जिनमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब दिया होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब से मेरा मतलब है कि एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट किसको बना करके लिखेंगे? पैसिव वॉइस में। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है हमें कि जिस भी पर्टिकुलर सेंटेंस या टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब होना बहुत जरूरी है। आई मीन टू से अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है तभी उसको हम
एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग हैव यूज करेंगे। उनके बाद हमने बीन यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है तो उस मेन वर्ब को एजिटिव हमको रख देना है, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में लगा देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि उसको एक्टिव से पैसिव में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस होंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उनका पैसिव नहीं बनता है। जब उनका पैसिव नहीं बनता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद जिस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहां बोर्ड पर आपके लिए कर रहा हूं, लिख रहा हूं। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस की हम लोग बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि जो मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने किसको चेंज कर रहे थे कि जो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें चेंज कर रहे थे। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हमारी पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनमें चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले मैं उसको लिख देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की। अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दिया गया है तो आप उसको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पे एग्री करेगी वाज वर्ब में से कोई भी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। इज दैट क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, ये इस स्ट्रक्चर जो है इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई ट्राई करके। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा दे बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी। आप देख सकते हैं बाइक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बॉट होती है, यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ना तो नॉट का यूज हुआ है, ना ही ये इंटरोगेटिव वर्क है, ना ही ये डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्योर सिंपल पास्ट टेंस का क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया, दे बॉट अ न्यू कार। इज दैट क्लियर? अब हम देख सकते हैं यहां दे हमारे यहां सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और अ न्यू कार ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कार हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डिवाइड करूं। न्यू कार क्या हो गया हमारा, न्यू मतलब क्या होता है, नया, ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कार बता रहा है कि कार कैसी है, नई है, और ए हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। लेकिन जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ए न्यू कार ये पूरा हमारा क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे तो अ न्यू कार पूरा लिखेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते सिर्फ कार लिख दिया या न्यू कार लिख दिया, पूरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये सब का सब हमको पैसिव फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा जब इसको एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा इसको अ न्यू कार, अ न्यू कार। अब अ न्यू कार एक नई कार की बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वाज जो है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। तो ठीक है भैया, अ न्यू कार आप देख सकते हैं यहां पर एक नई कार की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, और ए से भी पता चल रहा है जो डिटरमाइनर यूज हुआ है कि सिर्फ एक नई कार के बारे में बात हो रही है। अब ए न्यू कार के हिसाब से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब
कैसे फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, वाज, अ न्यू कार वाज। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज होगी ऑलरेडी। तो आप लोग देख सकते हैं बाई की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, बाई बॉच बॉट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या यूज होगा, बॉच, अ न्यू कार वॉज बॉट। अब किनके द्वारा, उनके द्वारा। सो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देम। तो जब इसका एक्टिव से हम पैसे बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, अ न्यू कार वॉज बॉट बाय देम। बहुत ज्यादा इजी है, अ न्यू कार यानी ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाकर लिखा, सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारी वर्ब है एग्री करेगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए मैंने वॉज को लिखा। मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कौन सी है, बॉट। तो बॉट जो बाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है, तो मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया है। यहां पे सेकंड फॉर्म की तरह यूज हुआ क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, इज दैट क्लियर, वो भी एक्टिव फॉर्म में। जब इसको पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे बॉट किस तरह काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म की तरह। आप ये नहीं समझे कि यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज किया मैंने, क्योंकि सेकंड कार्ड एक ही होता है, इसलिए हम लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना है, अब ऐसा भी होता है कि कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं जिनके, जैसे गो, वेंट, गोन, गोन थर्ड फॉर्म होता है उसका, लेकिन वेंट क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो इरेगुलर वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। सो अ न्यू कार वाज बॉट बाय, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, इसको मैंने इजीली क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। सो इस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉच, कुछ और एग्जांपल्स मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर टू, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इज दैट क्लियर। यस्टरडे क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी कब गए थे, कल गए थे, कल की बात कर रहे हैं। तो यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, डेली हो गया, इनको हम लोग सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के लास्ट में, यानी सेंटेंस के शुरुआत में और सेंटेंस के लास्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, यस्टरडे माय फादर वेंट टू दिल्ली, माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो पैसिव में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब माय फादर ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, went ये मेरा क्या हो गया, main verb हो गया जो second form है go का, ठीक है। to मेरा क्या हो गया, prep हो गया, और Delhi मेरा क्या हो गया, object हो गया, और ये मेरा क्या है, adverb of time यानी adverb है, यानी पिताजी दिल्ली कब गए थे, कल गए थे, ठीक है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको active से passive form में change करेंगे। तो हमारा object क्या है, Delhi, मैंने देखा Delhi। अब Delhi के हिसाब से जो हमारी verb यहाँ पे सुटेबल रहेगी, जो एग्री करेगी, वह क्या होनी चाहिए, वॉज होनी चाहिए, क्योंकि डेली क्या है, प्रॉपर नाम है और सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। सो डेली वॉज। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है बेटा, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वेंट गो की कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, और इसकी जब हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो यहां पर क्या यूज होनी चाहिए, गोन होनी चाहिए। डेली वॉज गोन बाय माय फादर यस्टरडे, Delhi was gone to, Delhi was gone, Delhi was gone, gone के साथ to भी आएगा, ठीक है। Delhi was gone to by my father yesterday, यानी दिल्ली जाया गया था किसके द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा कल, ठीक है। My father went to Delhi yesterday, मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे, ठीक है। ये active form में हो गया, जब इसको passive में change किया तो मैंने किस तरीके से किया है, Delhi was gone to, दिल्ली जाया गया था by my father, किसके द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा कल। तो आप देख सकते हैं चाहे active से passive में change करें या passive से active में change करें, जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वह सेम रहेगा, वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्चुअल सेंस निकलेगा, मीनिंग निकलेगा, वह हमेशा एक ही रहेगा। इज दैट क्लियर। एक आध एग्जांपल और लेता हूं मैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने लिखा
sing a beautiful song. He sang a beautiful song. उसने एक सुंदर गीत गाया, मधुर गीत गाया, ठीक है? He मेरा सब्जेक्ट हो गया, sing यानी sing की सेकंड फॉर्म होती है, मेन वर्ब हो गया, a मेरा डिटरमाइनर आर्टिकल हो गया, beautiful मेरा एडजेक्टिव हो गया, और song मेरा क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, यानी जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया है। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ये हमारा पूरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये इसको सॉन्ग को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, ठीक है? लेकिन सॉन्ग कौन सा गया था? एक सिंगर, एक गाना ही उसमें गया था। तो ऑब्जेक्ट जब इसको हम बनाएंगे तो कौन सा होगा हमारा? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देख रहा है सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हम लोग वाज क्यों लेंगे? वाज यूज करेंगे। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज। अब सिंग का सेकंड फॉर्म तो सेम होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? यहाँ पे संग यूज होता है, क्योंकि हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं पैसिव वर्ब्स में। सो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय अब ही का ऑब्जेक्टिव केस कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस बना करके लिखना पड़ेगा ही का। इज दैट क्लियर? सो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सन बाय हिम, यानी एक सुंदर गीत उसके द्वारा गाया गया था। He sang a beautiful song. उसने एक सुंदर गीत गाया। Is that clear? तो meaning आप देख सकते हैं, affect change नहीं होता। Even we are changing into active voice or in passive voice. ठीक है? Is that clear? तो आज के लिए मेरा ये था कि मैंने आपको बताया कि simple past tense को active से passive में कैसे change करते हैं। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा easy है। Subject को object, object को subject बना करके लिखना है। उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो हमारी वर्ब एग्री करेगी उसके हिसाब से वो हमने वाज वर्ब में से यूज करनी है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, उसके बाद बाय और सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट का हमेशा याद रखना है, चाहे हम पैसिव में चेंज करें चाहे एक्टिव में चेंज करें। जैसे हो सकता है यहाँ पे आपसे गलती हो जाए, ब्यूटीफुल सॉन्ग मान लीजिए आपने सिर्फ सॉन्ग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट माना होता तो सॉन्ग अ ब्यूटीफुल वाज सन बाय हिम इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है? तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ही हमारा पूरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज सन बाय हिम। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या करना है, वहां ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो बस हमने क्या करना था कि हैज और हैव के बाद बीन यूज करना था। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एज एम आर के बाद बीन यूज कर रहे थे, ऐसे ही यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज और हैव के बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है पैसिव फॉर्म में, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हमने बाई का यूज करना है और सब्जेक्ट का हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो हमने लिख देना है। इस तरीके से बहुत इजीली हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस को चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप टुडे यू विल लाइक द वीडियो। आज आपने ये जो कंटेंट मैंने पढ़ाया आपको, जो भी चीजें मैंने एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इनसे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो आपने एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने हैं। फिर भी अगर कोई किसी को कोई परेशानी महसूस होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करता है कोई भी आप में से, तो आप मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज। And at the last, be careful, be safe, and keep learning. Have a good day.